नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पतंजलि की कोरिल पर महाराष्ट्र सरकार ने लगाई पाबंदी, राजस्थान में पहले से ही है बैन। चीन की नई साजिश, लद्दाख के एक और इलाके में खोला मोर्चा। आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना, बताया लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। IMF ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगी 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट। सिद्धार्थ ने बताया कि कभी नहीं सोचा था कि बॉलीवुड में बिना कनेक्शन के हीरो बन पाऊंगा। दिल्ली लद्दाख कश्मीर में मानसूनी बादलों का दस्तक, भारी बारिश का अलर्ट। NDA में रार, सुखबीर बादल बोले कि मंत्री पद किसानों से बड़ा नहीं। WHO ने कहा कि अगले हफ्ते 1 करोड़ हो सकता है कोरोना केस का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना की तेजी, मुंबई को पीछे छोड़, 70,000 के पार पहुंचे मरीज। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर जारी, 2 आतंकी ढेर, इंटरनेट सेवा भी बंद। नागालैंड में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। पेरिस में आज से फिर से आम लोगों के लिए खुलेगा एफिल टावर। मिजोरम के चंफाई में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5। एम्स में आज फिर से शुरू होगी OPD, हर विभाग एक दिन में देखेगा 15 मरीज। RMLI लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर AK त्रिपाठी हटाए गए, प्रोफेसर नुजात हुसैन को मिला चार्ज। गुरुग्राम में एक युवक पर जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में संजय कुमार होंगे नए मुख्य सचिव, 1 जुलाई से संभालेंगे कार्यभार। पाकिस्तान को झटका, FATF के ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। हैदराबाद में कोरोना से ठीक हो चुके 50 मरीजों को उनके परिजनों ने घर में रखने से किया इनकार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चीन। JEE, नीट और CTET की परीक्षा की बदल सकती है तारीख। ICMR का बड़ा फैसला, कहा देश में लक्षण वाले हर मरीज की होगी कोरोना जांच। ड्रोन से टिड्डी दल को नियंत्रण करने वाला पहला देश बना भारत। अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगा निजी कंपनियों का प्रवेश, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। ओडिशा सरकार पुरी के रथ यात्रा में जुड़े 5,000 लोगों की करवाएगी कोरोना जांच।